जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे घर में जब शादी होती है किसी की, तो कैसे वर्क को अलॉट कर दिया जाता है। जो पैकिंग के अंदर अच्छा है उसको पैकिंग का वर्क दे दिया जाता है, जो इवेंट में अच्छा है उसको इवेंट का, जो कोरियोग्राफी डांस में अच्छा है उसे उसका काम, जो मैनेजमेंट पूरा अच्छे से कर सकता है उसे वो काम दे दिया जाता है, ताकि क्या हो, अलॉटमेंट होके अच्छे से काम डिवाइड होके अच्छे से हो सके। वैसे ही हम देखते हैं बिजनेस में भी क्या होता है, वर्क क्या किया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। जो एम्प्लॉयज जिस काम में बेटर है, उनका स्पेशलाइजेशन है, वो काम उन लोगों को अलॉट कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क इस तरीके से कर दिया जाता है। तो वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टाफिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन। आई एम रिचा तापड़िया एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टाफिंग। सो लेट्स स्टार्ट। स्टाफिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने सबसे पहले देखा था प्लानिंग, उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग, और अब हमारा थर्ड फंक्शन है, दैट इज स्टाफिंग। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा, तो उसके बाद स्टाफिंग तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद वर्क अलॉट करना पड़ेगा हमें। तो वही चीज हम आज देखने वाले हैं, दैट इज स्टाफिंग। इट इज नॉट मियरली रिक्रूटमेंट बट ऑल्सो इंक्लूड्स अक्वायरिंग एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग देम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, कि जब बोला जाता है कि रिक्रूटमेंट मीन्स फाइंडिंग, सर्च करना, जब एम्प्लॉइज की जरूरत है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों की जरूरत है, तो उस केस में हमें सर्च करना रहता है। बिजनेस क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेगा एम्प्लॉइज को, जैसे एम्प्लॉइज उन लोगों को चाहिए उस केस में रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, उसे बोला जाता है सर्च करना। देन इट ऑल्सो अक्वायर एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको मेंटेनिंग भी दी जाती है, और उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक तरीके से मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है, उसी को स्टाफिंग बोला जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए वो हम देखते हैं। इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मीन्स जब हम बोलते हैं कि अगर बिजनेस के अंदर जब एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने अभी देखा कि प्लानिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होगा, और ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होगा, स्टाफिंग होगा, मतलब एम्प्लॉयज को ढूंढा जाएगा, सर्च किया जाएगा हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग। पेरिनियल प्रोसेस, इट मीन्स कि जब तक बिजनेस रहेगा स्टाफिंग भी कंटिन्यू रहेगा, तो ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। सो पेरिनियल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा स्टाफिंग की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। वाइड स्कोप, वाइड स्कोप इसका कैसे हुआ, कि स्टाफिंग के अंदर सिर्फ हम सर्च नहीं करते एम्प्लॉयज को, हम सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं करते, हम उनका फाइंडिंग करके सिलेक्शन करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डेवलपमेंट प्रोसेस दिया जाता है। तो इसी ही इसे बोला जाता है कि इसका एक वाइडर स्कोप है। इन्वेस्टमेंट, जब स्टाफिंग होता है तो एक्सपेंस होते हैं, तो इसे एक्सपेंस नहीं बोल के इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं तो उनके वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, और कहीं ना कहीं वही हमें रिटर्न ला के देते हैं बिजनेस के अंदर। क्या ह्यूमन प्रोसेस के बिना कुछ होगा, नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हम कब बोलते हैं, जब उससे हमें अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है। तो इसीलिए जब हम स्टाफिंग करते हैं, तो इस केस में जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, एक्सपेंडिचर तो होता ही है, लेकिन हम इसे एक्सपेंस नहीं बोल के हम इसे क्या बोलेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें फ्यूचर में रिटर्न देता है। सो इट्स अ इन्वेस्टमेंट। कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशंस, बिजनेस के अंदर आप सिर्फ ऐसे नहीं कि एम्प्लॉयज को एक एम्प्लॉय मान के सिर्फ उसे काम करवाते जाओ, आप उनको प्रेशराइज करो, फोर्स करो, नहीं, हमें उनके साथ एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, हमें उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी समझनी चाहिए। जब एम्प्लॉयज हमारे लिए वर्क करते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें भी उनके लिए करना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी इनको पर्सनल इश्यूज आते हैं, फैमिली इश्यूज आते हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयर को भी क्या करना चाहिए, कंसर्न दिखाना चाहिए उनको। अगर प्रॉब्लम्स है, लीव्स चाहिए, तो उन्हें लीव्स देना चाहिए, तभी हम बोलते हैं एक रिलेशन मेंटेन होता है, एक क्रिएट होता है। इट इज रिलेटेड विद द अदर मैनेजेरियल फंक्शंस। अदर मैनेजेरियल जो हमने देखा, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, तो ये क्या एक तरीके से रिलेट करता है।
स्टाफिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा कि अगर हम प्लान भी कर रहे हैं तो उस केस में अगर ह्यूमन प्रोसेस नहीं होगा तो कुछ हो पाएगा नहीं। तो इसीलिए ये रिलेट करता है विद अदर मैनेजेरियल फंक्शंस। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। अब इसके साथ हम इसकी टेक्निक मैंने बताई है, वो क्या है देखो। स्टाफिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस, ये हमारा कैप्स में फर्स्ट वाला हो गया। एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट कवर सेकेंड पॉइंट। प्रोसेस इट कवर पेरिनियल प्रोसेस इन विच वाइड इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस टू क्रिएट HRM फंक्शन। HRM मीन्स ह्यूमन रिलेशन एंड मैनेजरियल फंक्शन। तो इस तरीके से ये आप पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। स्टाफिंग इज ए डायनेमिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन विच वाइड इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस टू क्रिएट HRM फंक्शन। क्लियर। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी है। स्टाफिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इट इज ए ड्राइविंग प्रोसेस। ड्राइविंग मीन्स हम बोल सकते हैं कि स्टाफिंग ही तो है जो आगे लेके जाएगा बिजनेस को। ये क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। ड्राइव से आपको समझ में आ रहा है, आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, इसीलिए इसे बोला जाता है ये एक ड्राइविंग प्रोसेस है, ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायनेमिक एक्टिविटी है। स्टाफिंग क्या कराता है, एक डायनेमिज्म प्रोसेस है। मींस जब भी बिजनेस में चाहिए कि हमें इंक्रीमेंट करना है या हमें डिक्रीमेंट चाहिए एम्प्लॉयज का, तो क्या होगा, हम इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये डायनेमिक एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या प्लानिंग और आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया और स्टाफिंग नहीं किया तो आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसको आगे बढ़ाएगा कौन? एम्प्लॉयज ही बढ़ाएंगे, स्टाफिंग बढ़ाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लिम्स मतलब हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के हाथ पैर कौन है, तो वो कौन हुए, स्टाफिंग हुआ, ह्यूमंस हुए, एम्प्लॉयज हुए, क्योंकि उनके बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसीलिए बोला है इट्स अ लिम्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग स्टाफ। अब जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों को स्टाफिंग के अंदर जो एम्प्लॉयज जिसमें बेस्ट है उनको वो वर्क दिया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क दिया जाता है। ऐसे नहीं बस उनको इंटरव्यू करके हमने सिलेक्ट कर दिया फिर हम हमारे अकॉर्डिंग उसे किसी में भी डाल देंगे, नहीं। जहां पे उनकी राइट प्लेस है वहां पे उनको डाला जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है स्टाफिंग। सो इसीलिए उन्हें क्या मिलता है, यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जाता है। हार्मनी इन रिलेशंस, इट मींस एक तरीके से कॉपरेशन होगा। जब हम बोलते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब देता है, जो वो लोग जिसमें बेस्ट है उनके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे वर्क दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम बोलते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेशंस कभी अच्छे नहीं होते, जब लेकिन एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग वर्क देगा तो उस केस के अंदर उनके रिलेशंस मेंटेन रहेंगे, उनके रिलेशंस कॉपरेट रहेंगे, कोऑर्डिनेशन आएगा उनके रिलेशंस के अंदर। इंक्रीजेस द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वही बाहर जाके हमारी रेपुटेशन इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जब वहां पे यहाँ पे उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी, उनके अकॉर्डिंग सब वर्क होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो बाहर जाके भी हमारी कंपनी का नाम करेंगे कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, हमें सारी फैसिलिटीज देती है, ये हमारे अकॉर्डिंग हमें जॉब देती है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज इंक्रीज होती है। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टाफिंग जब तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, जब तक कंटिन्यू रहेगा बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग भी कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे देखे कुछ इंपॉर्टेंस। नाउ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हुए, परचेस डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है, तो वैसे ही अब क्या होने लग गया, अब एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी अलग क्रिएट होने लग गया। पहले सिर्फ स्टाफिंग होता था, लेकिन अब क्या हो गया, HR डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट हो गया। उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, स्टाफिंग सर्च होता है पहले, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट, पूरा HR का काम कौन करता है, ये डिपार्टमेंट करता है। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया, नहीं तो पहले सिर्फ स्टाफिंग ही होता था, पहले ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग नेसेसरी स्टाफ एंड डेवलपिंग इट फॉर अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो प्रोसेस है HRM की, ये डिवाइडेड है टू पार्ट्स के अंदर, दैट इज कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग,
मैन पावर प्लानिंग मीन्स यहाँ पे देखा जाएगा कि हमें कितने मैन पावर की जरूरत है और कितने मैन पावर हमारे पास है, ये देख के फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्रूट करेंगे कि इतने लोगों की जरूरत हमें, हमें और इतने लोग चाहिए, तो उस तरीके से वो रिक्रूट करना स्टार्ट करेंगे। फिर वो ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ये सब यहाँ पे डिवाइड होगा कहाँ पे, एचआरएम डिपार्टमेंट में, और कंसर्न विद कंपनसेशन डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। कंपनसेशन मींस उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए, उन्हें कितना वेजेस सैलरीज देनी चाहिए, उन्हें क्या एमिनिटीज फैसिलिटीज मिलना चाहिए, कितना बोनस कहाँ देना चाहिए, तो ये सब कहाँ डिसाइड होगा, एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर। एंड डेवलपमेंट के लिए कि उन्हें ट्रेनिंग डेवलपमेंट उनका किस तरीके से होना चाहिए, तो ये सब चीजें किसके अंदर देखा जाएगा, ये हमारा एचआरएम डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। नाउ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, अब हमने ये तो देख लिया स्टाफिंग होता क्या है, लेकिन अब हमें क्या देखना है कि पूरी प्रोसेस चलती कैसे, स्टाफिंग में कैसे अपॉइंट किया जाता है एम्प्लॉयज को। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब मैंने बताया सर्च करना, उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर इन द राइट प्लेस पर्सन्स विद द राइट क्वालिफिकेशन। देखो स्टाफिंग का मतलब ही ये है कि आप ऐसे एम्प्लॉयज को अपॉइंट करो जो उनके जॉब को सेटिस्फाई करे, मीन्स हमें राइट टाइम पे हमें जितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए उन्हें ही हम अपॉइंट करेंगे, और राइट प्लेस पे मतलब जो जिस फील्ड में अच्छा है हम उसको उसी में डालेंगे। ऐसे नहीं उसको मार्केटिंग अच्छा आता है हमने उसे परचेस फील्ड में डाल दिया, नहीं, तो जो जिसमें बेस्ट है हमें उसे उसी में डालना है, एंड पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन। तो रिक्रूटमेंट में होता ही यही है कि जो पर्सन जिसमें बेस्ट है हम उस फील्ड में उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे, दैट इज रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट होता कैसे, कैसे हमें जब बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को जब एम्प्लॉयज की जरूरत है तो कैसे सर्च करती है, तो उसके कुछ सोर्सेज है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सोर्सेज ढूंढेगी कि कैसे हम एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स मैं बोलूंगी मुझे टॉप लेवल के मैनेजमेंट फील्ड के अंदर मुझे कोई एम्प्लॉय चाहिए। अब उस केस में मुझे पता है कि एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि ये लेवल पे आ सकता है, उसके पास ऐसे सारी क्वालिफिकेशंस है, तो मैंने उसे क्या किया, मिडिल से मैंने उसका प्रमोशन कर दिया टॉप लेवल पे, तो दैट इज प्रमोशन। इसमें मुझे बाहर से किसी को अपॉइंट नहीं करना पड़ा, तो यहीं पे मैंने सर्च कर लिया, मिडिल को मैंने टॉप लेवल पे डाल दिया, क्यों, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस स्किल्स सब कुछ पता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया उसको प्रमोट कर दिया। तो इस तरीके से मैं रिक्रूट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। अब ट्रांसफर मतलब क्या हो गया कि मैं बोलूंगी उसको मैंने सेल्स डिपार्टमेंट से परचेस डिपार्टमेंट में डाल दिया, क्यों, क्योंकि परचेस डिपार्टमेंट में शॉर्टेज था, एम्प्लॉयज की जरूरत थी, और सेल्स में ज्यादा लोग थे, सरप्लस था, तो मैंने उसे यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हुआ, बस यहाँ पे क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट से मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जहाँ पे उसकी उसकी जरूरत थी, तो दैट इज ट्रांसफर। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉयज, जो हम बोलते हैं हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम उनसे ही पूछ लेंगे क्या आपके पास कोई ऐसे कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव है जिसको जॉब की जरूरत है और वो हमारे क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है, तो उस केस में वो लोग रिकमेंड कर देते हैं तो हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज। रिट्रेंच्ड मीन्स जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं थी तो उन्हें निकाल दिया जाता है, उनको रिट्रेंच्ड कर दिया जाता है कि अभी हमारे पास इतना वर्क ही नहीं है, हम इतने एम्प्लॉयज को रख के क्या करेंगे, तो क्या करते हैं उनको रिट्रेंच कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं। तो उस केस में जब हम बोलते हैं जब जरूरत है तो हम वापस उन्हें क्या कर सकते हैं, कॉल अप कर सकते हैं, तो दैट इज रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज, वापस उनको बुला लिया जाता है। प्रमोशन विद ट्रांसफर। ट्रांसफर के साथ प्रमोशन कैसे होता है, जैसे मैंने कहा मेरी एक ब्रांच और है यहाँ पे, तो वहां पे लोगों को जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, और यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो उस केस में मैंने क्या करा, यहाँ के एम्प्लॉय को मैंने मेरे दूसरे ब्रांच में भेज दिया वर्क के लिए। सेम मैनेजमेंट, यहाँ पे मार्केटिंग का काम करता था वहां पे भी मार्केटिंग का ही करना है, लेकिन वहां पे मैंने उसे कोई मेरे बड़े ब्रांच में भेज दिया, तो प्रमोशन भी ट्रांसफर हो गया, तो ये भी हमारा इंटरनल सोर्स हो गया। देन वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट मीन्स हम बोलते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन आई हुई रहती है हमारे पास, जब हमें जरूरत रहती है तब हम क्या करते हैं उसे कॉल अप करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट रहती है, तो उस केस में से जो मुझे क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सही लगता है मैं उसे कॉल करके बुला सकती हूँ। तो ये सब क्या हो गए, इंटरनल सोर्स हो गए। जब एम्प्लॉयज की जरूरत थी तो मैंने क्या किया, मेरे इंटरनल सोर्सेस से ही मैंने उनको अपॉइंट कर लिया। देन एक्सटर्नल सोर्सेस।
थ्रू एडवर्टीजमेंट। सबको ही पता है कि अगर एम्प्लॉयज की जरूरत होती है तो हम देखते हैं न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आती है, कभी कभी हमें टेलीविजन पे मिलते हैं, जो भी CACS की अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की तो जर्नल्स आती है उनकी, जो हम बोलते हैं मंथली क्या होती है वो मंथली इश्यू होती है कुछ जर्नल्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई वैकेंसी होती है मेंबर्स की तो उसमें बता दी जाती है। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट भी दिया जाता है कि कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज को चाहिए जॉब एम्प्लॉयज चाहिए, तो उस केस के अंदर वो क्या करती है इस तरीके से एडवर्टाइज कर देती है कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नाम ये सुना होगा सबने, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीन्स जो हम बोलते हैं हर सिटीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं। वहां क्या होता है कि जैसे जिसको भी काम चाहिए रहता है तो वो क्या करते हैं वहां जाके एक एप्लीकेशन फिलअप कर देते हैं, क्वालिफिकेशन सब कुछ बता देते हैं कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट है जॉब की। और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को जब जरूरत होती है तो वो भी यहाँ पे आके बोलते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या हो गया, एक मीडिएटर हो गया। तो वो क्या करता है मैच करता है दोनों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और फिर वो क्या करता है कॉल कर देता है किसको, जो वो जॉब वैकेंसी के लिए आया था, और उसको उस कंपनी में भेज देगा। तो इस तरीके से ये एक मीडिएटर का काम करेगा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनके थ्रू भी कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम बोलते हैं बहुत सारी कंपनीज, हम बोलते हैं IIT है, IIM है, तो वो क्या करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो वहां पे कैंपस होता है, इंटरव्यू लगता है, और जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पे उन लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक इंटरव्यू होता है वहाँ पे, कैंपस इंटरव्यू सबने सुना होगा जो IIT IIM में लगता है, तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती है और रिक्रूट करती है, वहां पे इंटरव्यूज लेती है और सिलेक्ट कर देती है लोगों को, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर देती है। तो उस तरीके से भी क्या होता है रिक्रूटमेंट होता है। थ्रू ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस मीन्स जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो अब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो गए, तो उसने क्या किया रिट्रेंच्ड कर दिया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, जरूरत नहीं थी। तो उस केस में कोई दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अगर वर्कर्स की जरूरत है तो वो क्या करेगी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉल अप करके जो उन्होंने वहां से रिट्रेंच किए उनको कॉल अप करके बुला सकती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहता है, स्किल्स रहती है। तो वो क्या करेगी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जरूरत है वो वहां पे कॉल अप करके उनको बुला लेगी। तो इस तरीके से भी रिक्रूटमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स, अब कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स किसके लिए, जैसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इंडस्ट्रीज होती है, माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, तो वहां पे ज्यादा लेबर्स लोगों की जरूरत होती है। तो उस केस के अंदर ये जो बिल्डर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर से कि जब भी उनको जरूरत होती है लेबर्स की वो कॉल करेंगे कि हमें इतने लेबर्स की जरूरत है, और वो क्या करेंगे उनको भेज दिया जाता है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इस तरीके से भी रिक्रूट हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट एट द गेट, गेट हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिसेस में बाहर ही गेट पे नोटिस लगाया जाता है वैकेंसी का कि इतने लोगों की हमारे यहाँ जरूरत है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इस तरीके से भी हो सकता है रिक्रूटमेंट। एंड लास्ट इज मॉडर्न मेथड्स, मीन्स हम देखते हैं इस वेबसाइट्स पे बहुत सारी एप्लीकेशन हम उसके अंदर फिलअप कर देते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर हमारे पास कॉल आता है। तो ये सब क्या है, मॉडर्न मेथड्स है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कंपनीज रिक्रूट करती है एम्प्लॉयज को जैसे भी उनको रिकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग के अंदर उन लोगों को क्वालिफिकेशंस के हिसाब से चाहिए वो लोग क्या करते हैं इसके अंदर रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज देख लिए। ओके नाउ अब देखो रिक्रूट तो हो गया, उन लोगों ने सर्च कर लिया, सर्च के बाद वो क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, इट मींस टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड। इतनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड होती है उसके अंदर वो देखेंगे प्रॉपर कैंडिडेट जो उनके अकॉर्डिंग हो। इट इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल एक्सपर्ट एक्सपीरियंस लॉयल एम्प्लॉय इज इनवैल्यूएबल असेट फॉर द एंटरप्राइज। जो मैंने पहले बताया कि एक असेट एक इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, वही चीज इसके अंदर लिखी गई है। देन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, अब प्रोसेस कैसे होगा, वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ, प्राइमरी मीटिंग में सबसे पहले जब एप्लीकेशन आई थी तो उसमें से क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर कैंडिडेट्स दिख रहे हैं हमें, जिनकी एप्लीकेशन हमें सुटेबल नहीं लग रही है, उसको क्या कर दिया जाता है, पहले उसे सेपरेट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि फालतू में हमारी प्रोसेस ज्यादा लेंदी ना हो। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर जो एप्लीकेशंस दिख रही है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, अब जो एप्लीकेशंस बची है
उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अच्छे से देखा जाएगा जो जो हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कौन सी हमें बेस्ट लग रही है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कुछ नेसेसरी टेस्ट होंगे। अब सेलेक्ट तो हमने कर लिए कि ये कैंडिडेट्स हमें लग रहे हैं, कि हमारी प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है कि ये सुटेबल है हमारे लिए, तो उस केस के अंदर फिर नेसेसरी टेस्ट होंगे। टेस्ट कौन कौन से होंगे? आईक्यू टेस्ट। आईक्यू मीन्स हम जस्ट जनरल नॉलेज उसके अंदर टेस्ट होता है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में क्या देखा जाता है? उसका इंटरेस्ट देखा जाता है, कैंडिडेट का इंटरेस्ट देखा जाता है कि जिसके अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट है जिस चीज के लिए, क्या वो उसके अंदर अच्छा है, उसकी इंटरेस्ट है उस चीज के अंदर, वो देखी जाएगी। ट्रेड टेस्ट मीन्स प्रैक्टिकली हम उसे वर्क करवा के देखेंगे कि क्या वो सुटेबल है उस चीज के लिए। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज कि उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें कैसी है वो देखा जाएगा इसके। तो ये कुछ टेस्ट होंगे, उसके बेसिस पे भी चेकआउट किया जाता है। देन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू 1-to-1 इंटरव्यू होगा, जिसमें उनको जो भी लगेगा वो अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उनसे, जिस क्वालिफिकेशंस के लिए चाहिए, जिसके लिए मैंने उसे अपॉइंट किया है उससे रिलेटेड मैं उससे क्वेश्चंस पूछूंगी और उसका टेस्ट देखूंगी कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सब चीजें देखी जाएगी। चेकिंग रेफरेंसेस। रेफरेंस वो कहाँ से आया है, क्या किसी ने रेफर किया। अभी हम देखते हैं ना, जॉब जल्दी से नहीं मिलते, किसी के रेफरेंस से आप जाओ तो उस केस के अंदर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अपने को अप्लाई करने देते हैं, या ठीक है कि हाँ अगर उसके रेफर से आया तो उसका एक बार टेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसे हॉनेस्टी पता चलती है, हम भी एक तरीके से उस पर रिलाई कर सकते हैं, तो इसीलिए रेफरेंस जरूरी होता है। तो रेफरेंस देखा जाएगा कि किसके रेफर से आया है। देन प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। उसके बाद ये सब जब चीजें हो जाएगी तो उस केस के अंदर फिर क्या होगा, सारे कैंडिडेट जिसका भी मैंने इंटरव्यू लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स क्यों किया जाता है ये, कि ताकि हो सके मैंने अभी उसे सिलेक्ट कर लिया, 2 साल बाद मुझे पता चलता है तो उसे कोई इंजुरी है या उसे कोई बड़ी डिसीज है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे उसके हेल्थ इश्यूज है, तो मैंने उसे 2 साल तक यहाँ ट्रेनिंग दी, उसे बहुत कुछ सिखाया, तो इसमें किसका लॉस होगा, बिजनेस का। तो इसीलिए इसका मेडिकल पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है, जब हम उसे सिलेक्ट करते हैं, जब उसे अप्लाई कर लेते हैं हम उसे हमारी फील्ड के अंदर, तो उसके पहले एक बार उसका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। एंड देन अपॉइंटमेंट लेटर उसे दे देंगे, जब हम उसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसमें सारे टर्म्स कंडीशंस, उसे कितने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कितने इयर्स के लिए रखा है, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर रखा जाएगा। इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, अलॉटमेंट ऑफ वर्क, और उसके बाद उसके वर्क ड्यूटीज उसे बता दी जाएगी कि उसे क्या क्या करना है, क्या क्या अथॉरिटीज उसे दी गई है। तो ये सब क्या हो गया, ये पूरी सिलेक्शन की हमने यहाँ पे प्रोसेस देखी। क्लियर? नाउ लास्ट चीज, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या हो गया, कि ट्रेनिंग हम क्या बोलते हैं, जो फिजिकली हम वर्क के लिए ट्रेन करते हैं, और डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं कि इसके अंदर पूरी मेंटेलिटी की बात आती है, पूरे इंटेलेक्चुअल की बात आती है, तो उसे बोला जाता है डेवलपमेंट। ओके, सो ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ एम्प्लॉईज। उनको प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज किसको दिया जा रहा है, एम्प्लॉईज को, कि कैसे उन्हें वर्क करना है, ये सब चीजें उनको यहाँ पे सिखाई जाएगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं मैंने आज उसे ट्रेन किया फिर बाद में नहीं, उसे हमेशा हमें अपडेट करते रहना पड़ता है, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन। देखो जैसे जैसे ट्रेनिंग क्यों दी जाती है एम्प्लॉयज को, कि वो हमेशा अपडेट रहे, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो कैसे चलेगा, तो इसीलिए तो एचआर डिपार्टमेंट है वो ये सब चीजों का ध्यान रखता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई तो हमें क्या है, हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है। तो वही चीज है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन हमारे सारे एम्प्लॉयज को पता रहनी चाहिए। सेफ्टी, उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आपको वर्क करना है, कैसे ये मशीन्स को यूज करना है कि एक्सीडेंट्स कम हो, लॉसेस कम हो, इसीलिए उन्हें पूरा वर्क बताया जाता है किस तरीके से उन्हें काम करना है। इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, जब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं तो ये काम कर सकता हूँ, जो उन्हें पहले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जैसे उन्हें ट्रेनिंग मिलती है तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हम ये कर सकते। रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्न ओवर, दैट इज कि लेबर हमें बार बार में चेंज करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयज आ गए उनको ट्रेन किया जा रहा है, राइट, और उसे उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो लोग भी जल्दी से नहीं जाना पसंद करेंगे, जल्दी से लेबर छोड़ के हमारा बिजनेस नहीं जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाएंगे,
और जब ट्रेनिंग करके वो भी अच्छा काम करेंगे तो उन्हें भी हम इनकम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ज्यादा वेजेस देंगे, तो जिससे कि वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, और हम भी चाहेंगे कि हमारे ट्रेन एम्प्लॉयज है तो हमें छोड़ के नहीं जाए, तो इससे टर्नओवर रेशियो जो लेबर का है वो कम हो जाएगा। इंक्रीजेस इन प्रॉफिट, क्यों? एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी लोगों की एम्प्लॉयज की, तो काम ज्यादा अच्छे से होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करेंगे, ताकि एक्सपेंसेस कम से कम हो सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रिड्यूस हो सके, तो उस केस के अंदर रिडक्शन हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज होना ही है, ट्रेन इसीलिए किया जाता है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, और अदर बेनिफिट्स, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलेंगे उन्हें अच्छी तरीके से, उन्हें पता चलेगा कैसे हमें वर्कआउट करना है, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी, उन्हें अच्छे बोनस दिया जाएगा, वो जितना अच्छा वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें बोनस वगैरह फैसिलिटीज दी जाएगी। तो ये सब क्या है, ट्रेनिंग के हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखी है। नाउ लास्ट इज डेवलपमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। ट्रेनिंग किसे दी गई, लोअर को, और यहाँ पे जब डेवलपमेंट की बात आई है तो किसको दिया गया, टॉप लेवल को, कि उन लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बताए जाते हैं कि वो कैसे स्ट्रेटेजीज बनाए, कैसे प्लान्स बनाए, जो कि टॉप लेवल की बात है, क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे उनका डेवलपमेंट होगा, उनको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइंड की बात यहाँ पे हो। तो क्या है इसका इंपॉर्टेंस, क्या है, इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज, उनको टेक्निकल नॉलेज का यहाँ पे क्या दिया जाएगा, पूरा यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाएगा टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू, हम बोलते हैं सिस्टम्स या पीसी, टेक्नोलॉजिकल नई नई मशीनरीज के बारे में, तो ये सब चीजें यहाँ पे इनको बताई जाएगी। रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी, कोई भी नई चीज आई है, कोई भी नया रिसर्च हुआ है तो वो यहाँ पे इनको बताया जाएगा, नहीं नहीं जो भी आइडियोलॉजीज होगी वो बताई जाएगी यहाँ पे। तो ये सब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में होगा, क्या यही होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जो चीजें जरूरी है, जो जिससे हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो सकता है बिजनेस का, वो चीजें यहाँ पे उनको बताई जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, कभी कभी हम ये बोलते हैं टॉप लेवल का तो सब पता ही है कैसे रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, बट और भी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसा होगा वो कौन बताएगा, यहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ने पता चलेगा और कैसे ऑप्टिमम यूज हम रिसोर्सेज का कर सकते हैं। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जिसके पास उनका भी सोल्यूशन नहीं होता, तो वो ही डेवलपमेंट प्रोग्राम से उनको पता चलेगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इफेक्टिव सुपरविजन, ऑब्वियसली वो होना ही है कि कैसे और अच्छे से सुपरविजन हो सकता है बिजनेस में, कैसे हम एम्प्लॉयज को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ा सकते हैं, वो यहाँ पे बताया जाएगा। रिड्यूस स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सके, और कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे बताए जाएंगे जिससे टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे से वर्क कर सकता है, अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकता है, अच्छे से प्लानिंग्स कर सकता है, तो बहुत जरूरी है ये डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर हम डिफरेंसेस देखेंगे, जो अभी हमने पूरा देखा बस उसका डिफरेंस क्या है। मीनिंग हमने यहाँ पे देखा कि ये इम्पार्ट क्या करता है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज एम्प्लॉयज के लिए, और ये किसके लिए होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफिसर्स। यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या होगा, वर्क होगा, और यहाँ पे फ्यूचर करियर प्रोबेबल चेंजेस, क्यों, क्योंकि टॉप लेवल की बात है तो वो फ्यूचर के लिए वर्क करेगा। यहाँ पे टाइम एंड एक्सपेंस शॉर्ट टर्म प्रोसेस और लेस एक्सपेंसिव है, क्यों, ट्रेनिंग तो क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास डिपार्टमेंट है वही देगा, ट्रेनिंग तो वही देगा ना, तो इतना यहाँ पे खर्चा नहीं होगा, और ट्रेनिंग तो बार बार हमें आपको देना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म और एक्सपेंसिव भी होगा। हु इम्पार्ट, कौन देगा ये एक्सपर्ट्स, एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर जो हमारे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एडुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड इज टेकन, यहाँ से हमें कुछ एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाने पड़ते हैं, इसलिए ये हम बोलते हैं ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। किसे दिया जाएगा, इट इज गिवन एट स्टाफ एट द बॉटम लेवल ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ पे किसको दी जाएगी, एग्जीक्यूटिव्स एंड डिपार्टमेंटल हेड्स को दिया जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है वन शॉट के अंदर, और मैंने सारे आपके यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे स्किप किया होगा। सो आई थिंक आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है,
कोई भी डाउट्स हो आपको तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरी मेमोरी टेक्निक्स कैसी लग रही है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। ओके सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके बाय।